हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल टेक। और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा 23 फीट चौड़ाई में मिलेगा दोस्तों, लंबाई में आपको 23 फीट ही मिलता है। ये आपको सिंगल बेडरूम के साथ मिलता है दोस्तों। इसमें आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिलेगा, एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी मिलेगा। बाद में इसमें सेपरेट आपको वॉशरूम भी यहाँ पे एक मिल जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। कोई फ्रेंड हमको परसों या थोड़े दिन पहले कमेंट किया था, मुझे आप टिप्स देंगे क्या नॉर्थ फेसिंग के बारे में बोल के। दोस्तों मैं आपको टिप्स दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं नॉर्थ का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, इसमें आपको टोटली टिप्स मिल जाता है नॉर्थ फेसिंग का, कितना क्या क्या वास्तु रहता है बोल के। ये भी है दोस्तों, ये देखिए आपको ये टोटली ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है दोस्तों। ये आपको ये वास्तु के प्रकार ही आपको ये टोटली मिल जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं अकेले लाता रहूँगा, बट मेरा वीडियोस बहुत लोग देखते हैं दोस्तों, मगर सब्सक्राइब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से वजह से मेरा मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आपका भी कौन सा प्लॉट है तो मुझे कमेंट में रिक्वायरमेंट भेजिए दोस्तों, मैं आपके लिए प्लान करके दे दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये टोटली 23.4 फीट आपको चौड़ाई में मिलेगा और लंबाई में हमको 23 फीट ही मिलता है दोस्तों। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। बाद में हमने टोटली इसमें बिल्टअप यूज़ किया है दोस्तों। देखिए टोटल एरिया हमने 538 स्क्वायर फुट टोटली हम लोगों ने यूज़ किया है दोस्तों। ये टोटल बिल्डिंग पे कितना जगह है ना, पूरा हम लोगों ने यूज़ किया है। चलिए आप भी अंदर जाके बात करेंगे इसमें क्या क्या हम लोगों ने दिया है बोल के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंट्रेंस कर जाएंगे तो आप लोग अच्छा सा एक लिविंग में आ जाते हैं दोस्तों। इसका देखिए लिविंग लिविंग का साइज आके 10 फीट 8 इंच आपको चौड़ाई में मिलेगा दोस्तों, लंबाई में आपको 15 फीट 1 इंच मिलता है दोस्तों। देखिए आपको इतना छोटी जगह में कितना बड़ा आपको एक लिविंग मिल रहा है बोल के। यहाँ पे देखिए आपको बहुत बड़ा और कंफर्टेबल का एक लिविंग मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको उस लिविंग के सामने ये आपको किचन का भी दरवाज़ा दिखता है दोस्तों, एक मास्टर बेडरूम जाने के लिए दरवाज़ा भी दिखता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले किचन जाएंगे दोस्तों। किचन के अंदर आएंगे तो आपको एक अच्छा सा और बढ़िया सा किचन मिलता है वो दोस्तों। इतना सफिशेंट से आपको किचन मिलता है कि आपको कुछ भी आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होता है। इतना आपको इतने छोटे साइज में आपको बड़ा सा बड़ा किचन यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका साइज आके 10 फीट 8 इंच आपको चौड़ाई मिलेगा दोस्तों, लंबाई में आपको 10 फीट 2 इंच मिल रहा है। देखिए इतने छोटे जगह पे कितना अच्छा आपको यहाँ पे किचन भी आपको मिल रहा है। हम लोगों ने किचन में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक पूजा मंदिर के लिए भी थोड़ा जगह छोड़ दिया है दोस्तों। ये आप लोग आराम से पूजा पाठ भी कर सकते हैं यहाँ पे किचन में रुक के। बाद में आप लोगों को देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंक के अलावा आपको फ्रिज भी रखने के लिए भी आपको जगह मिल जाता है दोस्तों, और आप लोग आराम से भी फ्रिज भी यहाँ पे रख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगा यूज़ करने के लिए। किचन आपका बड़ा है दोस्तों। चलिए हम लोग किचन से बाहर आएंगे तो लिविंग में आ जाएंगे। लिविंग के सामने देखेंगे तो आपको एक छोटा सा एक पैसेज दिखेगा दोस्तों, उसके सामने ही आपको एक वॉशरूम दिख जाता है दोस्तों। ये वॉशरूम क्यों बोले तो यहाँ पे किचन में हमको कुछ भी जगह नहीं है दोस्तों वॉशरूम देने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉशरूम दिया है दोस्तों। इसका आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको तो 2 फीट 8 इंच चौड़ाई मिलेगा दोस्तों, लंबाई में आपको 3.5 फीट मिल जाता है सफिशेंट का। आपको वॉशरूम ओनली वॉशरूम यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। उसके बाजू भी आपको एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। इसका देखिए साइज आके 3.5 फीट आपको चौड़ाई मिलेगा दोस्तों, लंबाई में आपको 6.5 फीट मिल जाता है कंफर्टेबल का। आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। कॉमन टॉयलेट से बाहर आएंगे तो आप लोग लिविंग में आएंगे दोस्तों, लिविंग के सामने आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है दोस्तों। हम लोग मास्टर बेडरूम अंदर जाएंगे तो आप उसका साइज देखिए दोस्तों, 10 फीट 8 इंच आपको चौड़ाई में मिलेगा, लंबाई में आपको 10 फीट 2 इंच मिल रहा है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा सा मास्टर बेडरूम मिल रहा है। इसके साथ पे आपको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। देखिए अटैच टॉयलेट बाथरूम और कॉमन टॉयलेट बाथरूम का साइज एक ही है दोस्तों। इसमें भी आपको चौड़ाई में 3.5 फीट मिलेगा दोस्तों, और लंबाई में आपको 6.5 फीट मिल जाता है दोस्तों। इतना सा अच्छा सा सफिशेंट आपको एक घर मिल जाता है। आपका छोटा सा कौन सा भी जगह है तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते दोस्तों। इसका साइज आके देखिए चौड़ाई में 23 फीट और 4 इंच मिलेगा दोस्तों, लंबाई में आपको 23 फीट ही मिलेगा। इसका मतलब है स्क्वायर में आपको 23x23 ही मिलेगा दोस्तों। इतना अच्छा सफिशेंट का आपको एक ये घर का प्लान मिल जाता है दोस्तों। ऐसे आपको कौन सा भी छोटा सा प्लॉट है तो हमको कमेंट में रिक्वायरमेंट भेजिए दोस्तों,
मैं आपके लिए फिर प्लान करके दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, आपको कैसा लगा बोल के प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए, और एक लाइक भी कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से और सब्सक्राइबर से हमको बहुत मोटिवेट मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, फिर नया वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।